Vadba is back on the track. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। कैसे सब? वेरी गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे आप देख रहे हैं कि धूप आज कड़ाके की निकली हुई है और बहुत ज़्यादा धूप हो गई है। गाड़ी में बैठ के बात करता हूँ। ऐसा नहीं है कि आप समझें कि ये मौसम जो है ऐसे ही रहेगा। ना 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 ना, फोरकास्ट जो है वो वही है। थोड़ी देर बाद जो है वो मौसम एकदम चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर मौसम चेंज होता रहता है, डोंट वरी, इसका टेंशन नहीं लेनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज के दिन को अल्लाह के नाम से हम शुरू करते हैं कि इस उम्मीद के साथ और यकीन के साथ कि मेरा भी और आपका भी बहुत अच्छा दिन गुजरे, अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे अल्लाह ताला बहुत नेमतों से नवाजते हैं। मैं अगर आज की अच्छी सी बात से हम स्टार्ट करते हैं कि अगर पिछले 24 घंटे में अगर हम सोचें कि हमने कौन कौन सी नेमतें कौन कौन सी नेमतों को अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को एंजॉय किया, तो हम उसका शुक्र अदा नहीं कर सकते। पूरी ज़िंदगी तो बहुत लंबी है, ठीक है? आज का दिन स्टार्ट करता है। जी माशाल्लाह हुआ ये, जैसे मैंने नीचे देखा, देखें कौन सी नायाब पर्सनालिटी हमारे पास मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बच्चे, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक है सर? बस अल्हम्दुलिल्लाह सर। ये आप, ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं, ये है जॉनी बटरफ्लाई, टिकटॉकर, मशहूर जमाना और इल्फट गया पूरे यूके की जान। वो क्या था? आपका एक बड़ा मशहूर वायरल हुआ हुआ है टिकटॉक के ऊपर, मैंने देखा, वो था वो पावा और वो क्या था, वो बड़ा मजेदार था, वो क्या था? वो तो मैंने ये कहा था, मैं हूँ लंदन का पावा, अख्तर अख्तर लावा लंदन का पावा, वो तो लाहौर का पावा। ये बड़ा मशहूर हुआ वो, माशाल्लाह। बड़ी मेहरबानी, ये तो आलू में प्यार है, आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत, आप यहाँ आते शॉप पे। और नहीं, मैं इस काबिल नहीं, ये आप लोगों ने इज्जत दी, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का बड़ा करम है, बहुत शुक्रिया आपका सर। थैंक यू, कम बैक जी। अभी आप बाहर आए और कुछ काम से बाहर जाना पड़ गया, पढ़ रहा है, बाहर निकल आया हूँ और अभी एक जगह स्टे लिया छोटा सा। जवाद भाई ज़रा बाहर गए हुए हैं काम के लिए, जैसे ही आते हैं फिर हम सफ़र को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कहाँ जा रहे हैं आज। जवाद भाई ने कहा कि आज मैं आपको एक नई जगह पर लेके जाता हूँ, ठीक है? वेट। ये मोहतरमा पता क्या कर रही हैं? ये वो काम कर रही हैं जिससे सबको तकलीफ होती है। ये टिकट लगा रही हैं, पेनल्टी, वो गाड़ियाँ गलत पार्क की हुई ना, उनको ये टिकट दे रही हैं और वो नुकसान पे नुकसान। 70 पाउंड, 60-70 पाउंड, कितने पाउंड का फाइन है अभी? तो 100 वाले हो रहा है। 100 का हो रहा है? हाँ जी। ओए ओए ओए, एक रॉन्ग पार्किंग के फाइन जो है 100 पाउंड हो जाएगा इल्फर्ड में। मैं सीधा उन्हें ना एकदम, मैं इधर मुड़ लगा, उन्हें गड्डी आन मोड़ती, और मैं हार मार, मैं फुटपाथ से गड्डी चलाई और फिर वो सीधा चलना नट गया। मैं बच्चे मेरे नाम, ये जो नए ड्राइवर आ रहे हैं ना स्पेशली जो यूरोप से, क्योंकि उनकी लेफ्ट और राइट ड्राइविंग का मसला मेरे ख्याल से, और कुछ वैसे भी वो अकल से पैदल वाली बात है। वो तेज चलाउंदे गड्डे, और पाकिस्तानी भी जेहड़े मुंडे आए मोटरसाइकिल, वो भी इधर ते जोंदे पाकिस्तान दा सामना है। स्टूडेंट्स आए ना, इनको मोटरसाइकिल का लाइसेंस मिला हुआ है, वो भी ऐसी गाड़ी चला रहे हैं, वो भी वो पाकिस्तान और इंडिया का साफ समझ रहे, जैसे गाड़ी उधर चलाते हैं। अभी हम आ गए एक किशन कैरी में और कुछ सामान, ये है देसी किशन कैरी जो मैं कह रहा था ना, देसी वाली, मतलब कि आपको एशियन चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी, लाइक चिक पीस और ये सब चीज़ें, और साथ आपको ये भी मिलेगा। बर्ड्स की आवाज़ें भी मिलेंगी।
ये बेस्ट वैकेशन कह रही है, बेस्ट पे वाटर, बेस्ट पे समिट पाकिस्तान में मशहूर है। ये उनकी कशन कह रही, लाइक एशियन और इंग्लिश दोनों मिला के उन्होंने कॉम्बिनेशन से बनाया। राइट, हमारी शॉपिंग डन हो गई और अब हम आ गए हैं A13 से अब जाएंगे सीधा शॉप के ऊपर। रास्ता नहीं देखो, दे तो भाई ट्रैफिक देखो यार, कितनी ट्रैफिक है। ट्रैफिक बहुत हो गया, अभी तो और बढ़ जाएगी। क्या वजह? ये बिल्डिंग है जो बढ़ रही बड़ी बड़ी, ये वाली बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग की वजह से? हाँ जी, और क्या, इस बिल्डिंग की वजह से हो जाएगी। पहले इसमें पार्किंग इधर है नहीं थी, अभी तो और भी लोग आ गए थे। मुझे तो नहीं कह रहे कि और आ गए लोग। नहीं नहीं, आप तो पहले इस एरिया में रह रहे हैं। सही बात है, पहले बिल्डिंगे नहीं थी, अब तो गाड़े इतने बड़े बड़े बन गए, अब काफी नई बिल्डिंग्स बन गई हैं। फिर वो जगह तो वही है, वही सड़कें हैं, लोग ज्यादा हो गए। लोग ज्यादा हो गए। ये गुरुद्वारा है यहाँ का पार्किंग गुरुद्वारा, बहुत बड़ा गुरुद्वारा बनाया है, अभी रिसेंटली बनाया है ये बना हुआ। इसका जवाब पता था, मटेरियल जितना भी है ना, मतलब मेजॉरिटी मटेरियल डिफरेंट कंट्रीज से मंगाया है उन्होंने। यस, जब बात जो अभी एक जादू करेगा यहाँ से निकाल देगा वैन को, और भी तेजी से। हाँ। क्या बात है, क्या बात है जवाब, तुम फैसलाबाद में भी ऐसे चला देते। फिर मैंने भी पाकिस्तान में चैनल बनाया तो फिर रस्ता ही दसा। और ये पार्किंग मस्जिद है, पार्किंग मॉस्क, ये हमारी जामा मस्जिद है यहाँ की और बड़ी मशहूर और बड़ी मस्जिद। बेसिकली हम इल्फर्ड लेन पे ही आ गए, हमने एक शॉर्टकट सा लिया ना, और शॉर्टकट लेते ही वो ट्रैफिक को अवॉइड किया। तो जब रोड वर्क हो रहा होता है ना, तो ये यहाँ पर इस तरह के साइन लग जाते हैं अक्सर। अतीक और अजीम से मैं ये बात कहता हूँ कि यार जब रोड वर्क हो तो एक तरफ को खोल दें, एक तरफ इस तरह कोई सिग्नल लगा दें, तो वो हंसते हैं। भाई हंसने वाली बात नहीं है, ये होने वाली बात है। आज माशाल्लाह धूप पूरा थ्रू आउट, अभी तक जो है ना धूप ऐसी निकली हुई है मज़ेदार सी। तो फोरकास्ट जो थी वो कि ठंड थोड़ा बहुत चेंज होगा, वो बिल्कुल नहीं हुआ। आज मौसम वैसा ही है जैसा कि सुबह था। जी बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला अभी बाहर जाने का। ये देखें ये शख्स बैठा है मेरे सामने और काम 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 और काम हो रहा है। सभी 5 मिनट का ब्रेक लिया चाय का, और इसमें मैंने कहा चले आपसे बात करें, लेकिन उसमें भी उसने जान नहीं छोड़ी हुई। पकौड़े रोटी खिलाई आज इसने, पकौड़े रोटी। मामा भाई आज बहुत थक गया हूँ मैं, आप थक गए? नहीं मैं तो बिल्कुल नहीं थका। बिल्कुल नहीं थके? नहीं मैं थक गया आज, क्या करें, ऐसे ही आराम से, थोड़ा आराम करें जी। ओके, चाय पीनी है? नहीं चाय नहीं पीनी। आप तो ड्रिंक पी रहे हो यार, जरा ध्यान से, ठंड है। ठीक है, काम खत्म, टाइम हो गया घर जाने का, क्या ख्याल है? हाँ जी चले घर, अभी तो बाल ठीक है तुम्हारे? बाल ठीक है, बालों को नहीं हुआ। क्या कहते हो? तो बस घर जाकर मजे करना है अभी। क्या मजे करने, 4 घंटे बाद फिर सो जाओगे? यही तो टाइम होता है मजे करने का। ये तो बात है, काम के टाइम पे तो काम करना चाहिए, घर जाकर फिर अपने मजे अलग होते हैं।
आज दिन कैसा था? आज दिन तो ठंडी ठंड हाँ ठंड तो थोड़ी बढ़ गई है अभी मे बी वेदर थोड़ा चेंज हो रहा है और दो दिन से तो अच्छा था वेदर पर अभी और ठंड बढ़ गई है। हाँ ठंड अचानक हो गई है फिर से। वैसे मैंने आज कहा था ना कि मौसम जो है ना वो कुछ पलटी खाएगा और उसने पलटी खा ली। ऐसी खाई कि ऐसी ठंड हो गई कि मैं बाहर ही नहीं निकल सका और मौसम ने निकलने नहीं दिया। उन्होंने कहा नहीं आज नहीं जाना कहीं। तो आज फिर जब बाहर घूम फिर के सब कुछ करके आ गए, खाना वाना खा के नमाज पढ़ी, ऑफिस में बैठे काम किया, कुछ नीचे काम किया, उसके बाद लड़कों को से हलवाई की, कॉफ़ी भी नहीं पी, चाय भी नहीं पी, काम में लगे रहे। यहाँ काम नहीं ख़त्म होगा, बंदा ख़त्म हो जाएगा, काम ख़त्म नहीं होगा, कन्फर्म है। अच्छा मैं नहीं गलत बोल रहा, मैं गलत नहीं बोल रहा, क्या कहते हो तुम्हारी काम खत्म होता है? नहीं काम खत्म हो नहीं सर। बंदा उसे छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। तुमने सबक याद कर लिया? सबक याद से तो नहीं हो रहा तभी काम खत्म नहीं हो रहा। और बंदा खत्म हो जाता है, काम खत्म नहीं होते इधर। बिल्कुल आज ठंड बड़ी थी यार, इतनी ज्यादा नहीं थी। तुमने ना कुछ खाना है ना पीना है ना कुछ करना है, तुम्हें लगता कुछ नहीं है? हमें तो खाना खाना होता है भाई, तुमने तो बचा के पता नहीं किधर लेके जाना है। ओ भाई खाएंगे जो खा लिया, जो पहन लिया वो आपका है, बाकी सब यही है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो चिल करो, एंजॉय करो और काम करो। दुकान बंद कर दी आज, बताया भी नहीं। ठीक है दुकान बंद हो गई है, अब चलते हैं घर की तरफ, सामान ले लिया, घर की तरफ चलते हैं। मोहम्मद भाई लेट्स गो। ठीक है चले, कुछ लेना है घर के लिए? ओके ये दो शहजादे खड़े हैं अंदर ही, तो नहीं किस चीज़ का वेट कर रहे हो, मेरे जाने का वेट कर रहे हैं। जा रहा हूँ भाई। माशाल्लाह घर पे आके और आज बहुत अच्छा दिन रहा। आज के दिन को और व्लॉग को आज यहीं पर ही एंड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आसिम को, डॉक्टर साहब टीम को लंदन से दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। माशाल्लाह गुड सरप्राइज भाई, माशाल्लाह आज बड़ा दिल था इसका, गोलगप्पे का ही। ठंड में पी दें और एक अच्छे से सिंगर बन जाएंगे आवाज़ से सुबह, जब भारी होगी ना आवाज़। ज़बरदस्त।